गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुशल बेद यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कितना मनी लगता है एक अच्छे क्वालिटी का गेम बनाने में या एक अच्छा पीसी गेम बनाने में, क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसको हर एक डेवलपर को अपने आइज में रखना। और ये जो अभी मैं पूरा बताऊंगा, इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपने गेम का, जो अपकमिंग गेम है द डेमन्स ऑफ ट्रूथ। और आई नो बहुतों को इसमें बहुत लोगों का वैरे हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो हाई लेवल गेम्स होते हैं जो बड़े बड़े स्टूडियोज बनाते हैं उनका भी सेम होगा, वैसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी गेम्स है जिसमें ज्यादा बजट नहीं लगता, बट यहां पर मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे बनता है। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, देख सकते हैं हम लोग आप लोगों के लिए पूरा नीचे बैठ के अच्छी तरह से वीडियो बनाते हैं। सो अभी मे बी आप लोगों को लाइट नहीं आ रही होगी, एक सेकंड देना मुझे। सो अगर आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा है तो यार एक बार रोटेट कर देना, जस्ट मोबाइल को रोटेट अपना कर लेना, क्योंकि अगर मैं भी रोटेट करता तो मेरा कैमरा हाइड हो जाता। तो अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो उसको मैं ऐसे समझा भी दूंगा, बट हाँ अभी मैं एक अप्रोक्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड एक्सेट्रा नहीं है। सो या होपफुली आप लोगों को सब सही से समझ आएगा। सो यहां पर अभी अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डायमंड्स ऑफ ट्रुथ का, सो इधर पे आप देखिए द डायमंड्स ऑफ ट्रुथ। तो जो सबसे पहला खर्चा आता है किसी भी गेम को बनाने में वो आता है उसके पब्लिशिंग कॉस्ट। मतलब एक बंदे को अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म में करे, अभी मैं यहां पर एग्जांपल में एक ऐसा पीसी गेम ले रहा हूं, सो किसी भी प्लेटफॉर्म में करे तो उसको एक पब्लिशिंग कॉस्ट देना होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टीम का, तो स्टीम पर गेम ध्यान से सुनना $100 चार्ज करता है, यानी नियर अबाउट 7,000 रुपए के आसपास स्टीम चार्ज करता है। इसमें टैक्सेस जोड़ के अलग दाम बन जाएगा। तो या ये एक एग्जांपल है कि स्टीम $100 तो चार्ज करेगा ही पर गेम का। ये नहीं, ये प्ले स्टोर नहीं है कि एक बार ही बस आपको पेमेंट भरना है, फिर आप दुनिया में लाख गेम्स डालो, लाख ऐप डालो, कितने भी डालो, तो वैसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको $100 का ही मिलता है स्टीम पे, से $100 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो ये एक $100 के अंदर ही मतलब आप एक गेम डाल सकते हो। सो सबसे पहला हमने कॉस्ट समझ लिया $100, जो हो गया अपना अराउंड, एक बार के लिए मैं अप्रोक्स ले लेता हूं 7,000 रुपए। वैसे अभी आई थिंक 73 रुपीज में चल रहा है, बट मैं यहां पर एक नॉर्मल व्यय कर रहा हूं, बट हाँ ये हर टाइम डिफरेंट होता है, डॉलर प्राइस कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। सो जब भी आप ये वीडियो देखो तो जस्ट अपना $100 को गूगल कर लेना, $100 इंडियन रुपीज, तो आपको एक अच्छा परफेक्ट कोटेशन मिल जाएगा। सो अभी इस केस के बाद हमारा नेक्स्ट कहां पर कॉस्ट आता है, डेवलपमेंट कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आप खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हो, देन ये कॉस्ट मे बी जीरो हो जाए। जी हाँ, अगर आप खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हो देन ये कॉस्ट मे बी जीरो हो जाएगा, और else समझ लीजिए आप को टीम आपकी है, और तो फिर ये कॉस्ट वेरी करता है उनकी सैलरी पे। सो एक अप्रोक्स आपके पास एक छोटा स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है, आपको कोई ऐसा बंदा मिला जो आपके लिए मतलब मिनिमम हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000 के अंदर काम कर रहा है, सो दैट। बट हाँ देन आपका कॉस्ट आ जाता है यहां पर 10,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर द डायमंड्स ऑफ ट्रूथ के अंदर ये वाला केस जीरो पे है। जी हाँ, डेवलपमेंट चार्ज, क्योंकि मैं ऐसा कोडिंग खुद कर रहा हूं तो डेवलपमेंट चार्ज मेरा है अभी जीरो रेस। करेक्ट, ये हो गया मेरा गेम का एक कोटेशन की ये हो गया यहां पर जीरो। अभी तक मेरे गेम में 7,000 रुपए का नीड होती है। करेक्ट, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट आते हैं हमारे 3D आर्ट में। जी हाँ गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कोई भी आपके हाई क्वालिटी गेम में आर्ट बहुत मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर डिजाइन, एनवायरमेंट डिजाइन, हाउस मॉड, मतलब जितना भी डिजाइनिंग होता है। सो अगर आप फ्री एसेट यूज कर रहे हो देन वो जीरो है, फ्री में आप यूज कर रहे हो देन वो जीरो है। अगर आप पेड ले रहे हो तो उनके चार्जेस के ऊपर डिपेंड होता है, बट ये मे भी वेरी करता है आराम से। मतलब आपका कॉस्ट आराम से $500 हम अप्रोक्स ले लेते हैं अगर हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। और अगर हम एक डेवलपर को मतलब एक आर्टिस्ट को हायर करते हैं तो उसकी मंथली सैलरी अराउंड 15,000 to 30,000 और प्लस हो सकती है।
अब इन आवर केस मैं यहां पर अभी के टाइम पे मैं यहां पर ये कोटेशन नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर हम लोग ट्राई करें जितना ज्यादा हो सके या तो पेड एसेट के साथ चल ले, ताकि ताकि अब इसका रीजन क्यों, अब आप बोलोगे यार एसेट फ्लिप, ऐसा नहीं है गाइस, मैं आपको बताता हूं एसेट फ्लिप क्यों नहीं होता ये चीज, अभी तक वैसे हमने यूज नहीं किया डिसीजन में, तो अभी स्टार्ट मत हो जाना। सुनिए, आर्टिस्ट एक महीने के अंदर 2 से 3 आर्ट बना सकता है हार्डली, और यहां पर $500 अगर मैं एक लूप रखता हूं तो उसमें मुझे मे भी मेरे गेम के अंदर सारे घरों का, हाउसेस का मिल जाएगा, सारे इन्वायरमेंट का एसेट मिल जाएगा। सो वहां पर कौन सा फायदेमंद है आप खुद समझ सकते हो। अब यहां आते हैं कैरेक्टर। जी हाँ, अगर आप कोई डाउनलोडेड कैरेक्टर ले रहे हो देन उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कोई पेड कैरेक्टर ले रहे हो वो भी किसी और से बनवा कर, देन आपका अच्छे हाई क्वालिटी कैरेक्टर का आराम से कॉस्ट $1000 पार करता है। जी हाँ गाइस, आप बोलोगे $1000 यानी इंडियन रुपीस के अंदर अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस देन 70,000 के आसपास का आपका स्पेंड हो जाएगा जस्ट एक कैरेक्टर के लिए। अब वो वेरी करता है, अगर आपको समझ लीजिए एकदम इत्तू सा कैरेक्टर चाहिए इत्तू सा, तो उसमें अलग मतलब कैरेक्टर के, बट यहां पर हम हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं और एकदम डिटेल्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके क्लोथ एक्सेट्रा ज्वेलरी बहुत डिटेल्ड होंगी, सो उसमें आपका कॉस्ट पड़ जाता है इतना। सो ये एक रेफरेंस कॉस्ट रहता है। अब इसके बाद भी बहुत जगहों पे कॉस्ट लगते हैं, जैसे समझ लीजिए साउंड में लग गया, और साउंड में आपने देख लिया, देन आपके जब लोकलाइजेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में करने के लिए लग गया, सो उसके लिए जो आप बंदे रखोगे तो उनके अलग चार्ज होंगे। अब हम यहाँ अप्रोक्स ले लेते हैं $200 और $200, ये हमने एक अप्रोक्स ले लिया पर लैंग्वेज, पर लैंग्वेज और पर ट्रैक, पर ट्रैक, तो ये आपने देख लिया। अब यहां तक हमारे पास अभी भी हमारा जो बजट है वो अराउंड देखा जाए तो हम आराम से वी आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ लैक्स, तो हमने लैक्स तक बजट अपना रेडी कर लिया। अब यहां पर अभी एंड नहीं होता, कट सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम के बीच में आना या गेम के स्टार्टिंग में जो सीन आता है, वो अगर आप पूरा एक एनिमेटेड करवाओगे तो मे बी वो $500 से लेके $1000 क्रॉस करता है। हम यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, $1000 ही तो 70,000 रुपए। सो ये तो आपका हो गया एक बार के लिए। अब इसमें वेरी करता है आप और आपको क्या क्या चीजें चाहिए गेम अपने गेम पे, तो वो अलग अलग चीजों से वेरी करता है, बट यहां पर मैंने एक रेफरेंस कॉस्ट आप सबको हर चीज की बता दी है। अब अगर मैं इतने को भी हम लोग टर्न ओवर करें, समझो मैंने $1000 इसका 200, 400, यहां दो लैंग्वेज हमारे गेम में समझ लीजिए हिंदी और इंग्लिश, तो $400 और $400 ट्रैक का भी हम लोग देखे जो तब समझ लेते हैं हम लोग 5 ट्रैक भी हो तो $1000 $1000 $2000 $2400 $3400 एंड देन हम लोग इसका अप्रोक्स ले लेते हैं 3900 तक, एंड ये तो हमारा जीरो है, और यहां पर हम लोग यानी $4000। तो ये तो सिर्फ गेम डेवलपमेंट, अगर बाय चांस मैं समझ लीजिए पेड एसेट ही ले रहा हूं हर जगह से, मतलब किसी फ्रीलांसर को हायर करके उसे एक एक एसेट बनवा रहा हूं, देन मे बी ये $1000 भी पार कर लेगा। सो ये वेरी कर रहा है, तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होता, डिपेंड है आप किसको। कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम प्राइस में कर देते हैं, कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई प्राइस पे करते हैं, सो ये चीज आप देख लीजिए। अब ये तो था हमारी डेवलपमेंट का पूरा, ये एक तरीके से डेवलपमेंट, अगर यहां पर कोई और चीज भी होती है तो उसका अलग से लगता है चार्जेस, बट मैंने यहां से अप्रोक्स लगा दिया है तो आप अपने हिसाब से अपने गेम का भी सोच सकते हैं। तो या अगर आप हाई क्वालिटी बना रहे हो तो यार हर चीज आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो आप समझ लीजिए इस टीम में पब्लिश तक कर रहे हो, आप ये नहीं हो सकता कि आप कैरेक्टर बना लो। लोकलाइजेशन आप अपने से कर सकते हो बट उसमें क्वालिटी बहुत खराब भी हो सकती है क्योंकि आपके पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं है, ये एक टर्म है, आपके पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं है। इसी के लिए म्यूजिक लोकलाइजेशन के लिए हम कोई और बंदे को हायर करते हैं, फिर एक अच्छा कोई एडिटिंग, तो और कटसीन बनाना लाइक आपका पूरा एनिमेशन करना है उसको डालना बहुत टाइम लेता है। अब यहां पर हमारा ये तक हो गया। अगर समझ लीजिए बहुत लोग कहते हैं भाई अपने गेम को मोबाइल पे लेकर आओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई भी हम लोग इसकी पोर्टिंग का देखें तो एक प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम्पल ये था पीसी गेम, ठीक है, अगर ये पीसी गेम को अगर मैं मोबाइल पे ले आऊं तो मुझे सबसे पहले ग्राफिक्स सब कुछ चेंज कर मतलब लो करके सब कुछ करना तो भी और भी उसे अच्छा बनाना, तो उसके लिए मेरे को
पोटिंग में भी अराउंड $1,000 प्लस का खर्चा एक पोटिंग में हो जाएगा, यानी अबाउट 70,000 का कॉस्ट मेरा एक में हो जाएगा। सो अभी तक हम देखें, अगर मैं पोटिंग का भी सोचूं, बट जो अभी मैंने ऑप्शनल रख रखा है, अगर गेम अच्छा करता है देन हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं $5,000 हमने एक लूप होल रखे गेम की पूरा, तो $5,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट एक किसी भी गेम पे इन्वेस्ट करने का। अगर आप 5,000, और ये बहुत मिनिमम है, ये तो जस्ट इतना है, अगर समझ लीजिए पेड एसेट मेरा $1,000 का हो गया, देन ये $5,000 भी प्लस हो जाएंगे, और अगर और इसपे मैंने कोई टैक्स इंक्लूड नहीं किया गाइस, देखिए एक बार ध्यान से देखिए सुनिए, इस पे मैंने कोई टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। $5,000 पे अगर हम कोई टैक्स भी लगाए तो अच्छा खासा टैक्स अमाउंट भी लगता है, आपको पता ही है आजकल के टाइम पे। अब यहां तक तो हो गया, अब बात करते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग डिपेंड होता है किस हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो किस हिसाब, मतलब आप यूट्यूबर्स को कह रहे हो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेड मार्केटिंग की। फ्री मार्केटिंग इज समथिंग जो इतनी इफेक्टिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट पेड मार्केटिंग फॉर एग्जांपल आप यहाँ एड्स चलवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, सो आपका मिनिमम बजट एक मार्केटिंग के लिए बहुत छोटा है, एक मोबाइल गेम के लिए भी बहुत इतना मिनिमम होता है, बट हाँ $1,000, जी हाँ, क्योंकि एक यूट्यूबर, अगर एक यूट्यूबर के पास अच्छा खासा आप गेम है, अच्छा खासा चैनल सब्सक्राइबर है, तो आराम से वो आपसे 30-40 हजार इंडियन रुपीज में मांग लेगा। सो 30-40 हजार अगर आपका एक यूट्यूबर ही चार्ज कर लेगा, तो आप खुद सोचिए, तो आप अगर समझ लीजिए 15-20 यूट्यूबर को भी देखिए, थोड़े थोड़े टाइम में भी देखिए, तो भी आपका मार्केटिंग बजट अराउंड $10,000 एक अप्रोक्स हो सकता है, तो बहुत। इसके लिए मोस्टली लोग पब्लिशर चूज करते हैं क्योंकि उनके पास इतना आसपास बजट होता है, उनके पास रीच भी होती है ताकि वो गेम को ले जाए, तब ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहता है। अब यहां पर जो बहुत ज्यादा सोचने की बात होती है, समझ लीजिए 5,000 यहां पर है, इसको हम लोग एक बार के लिए ऑल द वे 10,000 लेके चलते कि $10,000 मुझे अपने गेम पे खर्चा चाहिए, क्योंकि लोकलाइजेशन एक्सेट्रा डिफर्स होती है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, मैं अपने गेम का बता रहा हूं, तो मुझे $10,000 का मुझे ओनली डेवलपमेंट कॉस्ट लग सकता है, अगर इसको हाई क्वालिटी में हम बना रहे हैं तो। ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा प्लानिंग है, और ये आपको अभी लग रहा होगा यार ये एकदम नॉर्मल गेम है, बट इसमें आप जब गेम देखोगे तो आपको समझ आएगा। $10,000 अगर हम एक अप्रोक्स लेते हैं और $10,000 मार्केटिंग में, यानी $20,000, $1,000 यानी 70,000 अप्रोक्स, अगर 70, बट हाँ वो डिफर्स करता है। सो अराउंड आपके $20,000, अभी मैं मार्केटिंग चलो कर नहीं करता, बट 7,00,000 रुपए आपके हो जाते हैं प्लस टैक्सेस, तो आप 7,500-8,00,000 रुपए तक पहुंच जाओ, और बाकी डॉलर के प्राइस के ऊपर भी होता है। सो या तो यहां पर मैंने एक छोटा सा आपको रफली ओवरव्यू एक पीसी गेम का दे दिया है। मोबाइल गेम वेरी करता है ग्राफिक्स पे, बट हाँ इससे आप मोबाइल गेम का भी निकाल सकते हो, कॉस्ट आपने निकाल सकते हो, डेवलपमेंट कॉस्ट मे बी जीरो, मे बी आपका कल को मुझे एक डेवलपर हायर करना हो तो मेरा कोई पोस्ट होगा फ्रीलांसर का, 3D आर्ट हो गया उसका, आपके गेम में भी कैसा होगा कैरेक्टर, अगर आप खुद का बना रहे हो तो इतना, साउंड वाउंड अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो ये टास्क बहुत डाउन हो जाता है। हाँ ये बात याद रखना, अगर आप खुद से कुछ नहीं बना रहे और मोस्टली हर चीज डाउनलोड कर रहे हो, जिसको आप बहुत लोग एसेट फ्लिप का नाम लेते हैं, तो तब ये प्राइस बहुत डाउन जा सकता है, बट ये भी वेरी करता है। सो आप लोग देख सकते हैं एक इंडी गेम बनाने में भी डॉलर्स का खर्चा होता है, अगर आप एक हाई क्वालिटी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डिफर्स करता है। फॉर एग्जांपल डेमन्स ऑफ ट्रुथ का मैंने यहां एग्जांपल लिया, बट ये कैश्ड अप नहीं है कि $10,000 डेमन ऑफ ट्रुथ में लगेंगे, इससे कम ही लगने वाले हैं, क्योंकि इतना मैं एज अ 15 ईयर्स ओल्ड गाय मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, वो भी एक सिंगल गेम में, इतनी अफोर्ड तो भाई ये कोई कंपनी कर सकती है, वो भी बहुत सोच समझ के। तो हम लोग बहुत जगहों पर प्राइसेस कम करेंगे, बट यहां पर मैं एक डेवलपमेंट कॉस्ट आपको पूरा बता दिया हूं, सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम। जैसा कि आपने ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अंदाजा पता चल गया होगा कितना लगता है गेम बनाने में प्राइस, और इसके लिए बहुत सारे डेवलपर्स इतना बड़ा रिस्क हम लेते हैं। आप लोगों का हमें इसी जगह पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जितना हो सकता है हम अपने आप से कर रहे हैं। अगर मैं अपने गेम के बारे में बताऊं तो मैं जितना हो सकता है अपने आप से कर रहा हूं, जितना भी हो सकता है। आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप जाइए सपोर्ट शेयर करिए यूट्यूबर्स तक, यूट्यूबर्स थोड़ा वीडियो बनाएंगे तब जाके हमारे को थोड़ी रीच भी मिले और हमारे गेम को थोड़ी रीच मिले, और यही बात आगे का फिर हम देखते हैं। अगर इन द फ्यूचर हमें इसके लिए कोई क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च करना पड़े तो यार मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना कौन कौन रेडी है सपोर्ट करने के लिए। सो या
थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि पूरी गेमिंग कम्युनिटी को एक रियलिटी पता चले कि गेम बनाने में कितना पैसा लगता है। तो जल्दी से जाके शेयर करो। थैंक यू।